बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है सुरेश खान और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म कौन है। बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी एशिया में लोग इंतज़ार में हैं कि पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म कौन है। और बहुत सारे लोग इंतज़ार में हैं कि इमरान खान होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। नया वज़ीर आज़म कौन होगा बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, मैं खुद भी इंतजार में हूं। लेकिन अब जो न्यू अपडेट्स आया उसके मुताबिक अब फर्स्ट नंबर पर जो है वो है पीटीआई वाले यानी आजाद उम्मीदवार, दूसरी नंबर पर जो है वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले यानी नवाज शरीफ वाले लोग जो है मुस्लिम लीग वाले, तीसरी नंबर पर जो है पीपीपी पाकिस्तान पीपल पार्टी है यानी शाबाश सॉरी बिलावल भुट्टू और जरदारी। इन तीनों पार्टियों का फर्स्ट नंबर पर जो है वो आज़ाद उम्मीदवार है, तो वो तो अपना हुकूमत नहीं बना सकते, यानी उनका जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोरली या इमरान खान उनको तो नहीं ला सकते क्योंकि वो आज़ाद है। आज़ाद उम्मीदवार के पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन ये है कि वो जरदारी में या नवाज शरीफ में यानी पीपीपी और मुस्लिम लीग नून पार्टी को एक को सपोर्ट करके एक के साथ इत्तेहाद करके हुकूमत बनाए, या अगर ये किसी को वोट नहीं देना चाहते या किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करना चाहते तो फिर इनको एक साइड पर किया जाएगा और पीएमएलएन और पीपल पार्टी का जिसकी ज्यादा सीट्स होंगे उनका हुकूमत पाकिस्तान पर आ जाएगा, वजीर आजम बन जाएगा। तो अब लोग सोच रहे होंगे कि ये ज्यादा सीट्स जिसने ली है उनकी हुकूमत क्यों नहीं आ सकती, बैरिस्टर गोरली क्यों नहीं आ सकता, इमरान खान क्यों नहीं आ सकता। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आज़ाद उम्मीदवार का कोई प्राइम मिनिस्टर ला सकता है, लेकिन किसी पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे उनको हुकूमत में लाएंगे, अपना बंदा सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो सारे डाउट्स और सवालात आप लोगों की जो जहन में थे वो क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप लोग को आज की वीडियो पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।